खेलने को तो खेले है ये तेरा मेरा सांझा, पर तेरी पतंग नजर है मेरा नजर। ललिता, अगर तुम्हें गाने आते नहीं तो गाते क्यों हो? हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति चा हार्दिक शुभेच्छा। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। ए हैप्पी मकर संक्रांति, नहा लिया? नहा लिया। आया हूँ, नहा के आया हूँ। लिया है, नहा लिया है। उपकार नहीं किया, नहा लिया। आज सोसाइटी में पतंगबाजी का कंपटीशन होने वाला है, हमारी पूरी फैमिली मेरे ग्रुप में होगी। ये भी कोई पूछने की बात है? हमारी पूरी फैमिली तुम्हारी टीम में होगी। बहू ही जीतेगी। बहू बहू मिस ब्यूटीफुल अगर उनके टीम से चली गई तो हम भी जाएंगे उनकी साइड से। ओ ऐसे ही बोला मैंने, मिस ब्यूटीफुल हमारी टीम से आनी चाहिए, नहीं तो क्या फायदा। ससुमा, आपको शर्वरीजी इतनी प्यारी क्यों है? नहीं, आपको अगर वो इतनी प्यारी है ना तो उनके घर में जाइए और उनके घर पे रहिए, उनके घर पे खाइए, उनके घर पे धो सब कीजिए। ठीक है, जाती हूँ मैं उसके घर। ललिता, जोकिंग, आई एम जस्ट जोकिंग। सुन भाई को दादा पोकू मत करो, समझे ना, हर बार उसके पीछे पड़ी रहती हो। आज हमें कुछ भी करके पतंगबाजी का कॉम्पिटिशन जीतना ही पड़ेगा। मैं शिवेन के आगे हार नहीं सकती, इसीलिए मैं हमारे पतंग के ऊपर का है हमारा पतंग। ये देखिए आप पे। हाँ हाँ, इस पतंग के ऊपर मैं करूंगी बेस्ट ऑफ लक टोटका, टोटका नंबर 44, बेस्ट ऑफ लक टोटका। मैनर्स ले सौरभ, अभी तेरा टोटका चोटका मत शुरू कर दे। एक तो आज मकर संक्रांति है, उसको तो कम से कम अच्छे से जाने दे। हर दिन तेरे टोटके चोटके चालू ही रहते हैं। सासू माँ, ये टोटका करना बहुत जरूरी है, अगर हमने ये टोटका नहीं किया तो हम हार जाएंगे। अरे क्या, ओ अपने टोटके पास सुनबाई को जरा समझाइए, आज के दिन कोई भी टोटका चोटका मत करे। सासू माँ, मुझे करने दीजिए। सुनबाई, कोई जरूरत नहीं है टोटके चोटके की। ससुर जी, बहुत जरूरी है टोटका, प्लीज करने दीजिए मुझे। सुनबाई, रहने दो। सुन लिया। प्लीज ससुर जी, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या होता है, बिल्कुल नहीं करेगी तू। थोड़ा सा करो। बेस्ट ऑफ लक। शादी में कुछ जल्दी कर दी मैंने। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। अगर मेरे पास डोरेमोन होता ना, टाइम मशीन लेके उसके साथ जाती और शादी तोड़ती मेरे बेटे की। क्या मिला मुझे ये बहू घर पे लाके, टटके बाज औरत। इससे अच्छा मेरा बेटा कुंवारा रहता। माँ, आपको क्या लगता है, आपका इतना हैंडसम बेटा कुंवारा रहता? गलत फहमी है तेरी, कोई हैंडसम नहीं है तू। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। श्रेया को मैसेज डालता हूँ, हारने के लिए तैयार हो जाओ श्रेया। किसका मैसेज आया? विकास का मैसेज। चुप बैठ गधेड़े। आगे आगे। चुप बैठ गधेड़े, हारेगी तो तुम्हारी टीम चैंपली। देखते। हाँ, देखते। मैं ब्रांडेड, मेरी साड़ी ब्रांडेड, मेरा पति ब्रांडेड, बेटी ब्रांडेड, सास रही ब्रांडेड, इग्नोर हर। कहाँ जा रहा है तू? वाव सुमु, क्या दिख रहे हो तुम, लगती नहीं हो, तुम्हारी शादी हो गई है, बच्चे है, अभी भी जवान दिखती हो। सच बोल रहे हो ससु? सच में सुमु, तुम वैसी हो जैसे मुझे कॉलेज के पहले दिन दिखी थी, माय ब्रांडेड सुमो। सुशु क्या कर रहा हो, सासुमा देख लेंगे, हमारी प्यार की दुश्मन है वो। सुमो, ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी को तुमसे कोई परेशानी नहीं है, अगर परेशानी होती तो मम्मी इस रिश्ते को कभी हाँ नहीं कहती, बट मम्मी ने हाँ कर दी। तुम तो लकी हो, तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली है। मैं नहीं लकी, वो लकी है, उनको ब्रांडेड बहू जो मिली और तुमको ब्रांडेड पत्नी। मेरे वजह से तुम्हारा सारा घर ब्रांडेड हो गया, सिवाय तुम्हारी सासू माँ के।
मेरी सासू माँ यानी कि तुम्हारी माँ? मेरी सासू माँ क्या, मेरी माँ तो ब्रांडेड है, पापा ब्रांडेड है, सब ब्रांडेड है, हमारा पूरा खानदान ब्रांडेड है। या तुम, मुझे पता है तुम सब ब्रांडेड हो, तुम्हारी पूरी खानदान ब्रांडेड है। वैसे तुम भी आ जाओ। कैसा दिख रहा हो? कालिया दिख रहा हो। चलो हटो, मुझे बाहर जाने दो, ग्रुप का बंटवारा करना है, शशि बहन की टीम, शर्मिला की टीम। तुम किसकी टीम से जाओगी? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, देखती हूँ बाहर जाके क्या होता है। हटो तुम। शर्मिला, शशि बहन आ जाइए बाहर, कंपटीशन करना है। आ गई हूँ मैं, उनको बुलाओ। शशि बहन, बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबकी सैवेज शशि पटेल आ गई है। ओहो क्या बात है, दोनों टीम्स की कैप्टन आ गई है। अभी हम बुलाते हैं सोसाइटी वालों को, देखते हैं कौन किसकी टीम में जाता है। टीम का बंटवारा हो रहा है, अब पता चलेगा कौन किसके ग्रुप में जाएगा। शर्वरी जी, जोया जी, आइए जल्दी बाहर, कुछ काम नहीं होता आपको। लगता है दोनों ग्रुप्स का बंटवारा होने वाला है। आखिरकार वो समय आ ही गया, मैं तो काफी कंफ्यूज हूँ। मैं भी काफी कंफ्यूज हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा, शर्मिला जी के पास जाओ या शशि जी के पास। आ जाइए सब जल्दी बाहर, वॉचमैन चाचा जी आ जाइए, टीम बंटवारा करना है। शुरू हो गया क्या टीम बंटवारा? संजुरा, पता नहीं है कि नहीं, संजुरा बहन आ जाएगी, नहीं आई तो भी चलेगा। ओहो टीम का बंटवारा शुरू हो गया। देखिए सबसे पहले मैं मेरी टीम बताना चाहूंगी, मेरे घर के सारे सदस्य मेरी टीम के साइड से हैं। अच्छा शशि बहन, आपकी फैमिली? मेरे फैमिली मेंबर्स भी मेरे टीम में, मेरे पति राजेंद्र पटेल और मेरा बेटा विकास पटेल, दोनों मेरे टीम में। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शर्वरी जी से। शर्वरी जी आप किसके टीम में जाओगे? मैं जाऊंगी शशि बहन के ग्रुप में। मिस ब्यूटीफुल आ गई क्या हमारे पास? चली गई उनके साइड से वो। आपको ही बड़ा मिस ब्यूटीफुल, मिस ब्यूटीफुल, मिस ब्यूटी का फुल। जाते उनके टीम से। चल। बाहु, बाहु, बाहु। शर्वरी तुम्हारी फैमिली को बस यूज कर लेती है, कुछ खत्म हो जाता है शर्मिला जी, शर्मिला जी कुछ बिगड़ जाता है श्रेया के पापा, श्रेया के पापा, और तुम्हारी सास तो है ही पागल, उसके आगे पीछे पड़ती रहती है। शर्मिला जी प्लीज बुरा मत मानना। जोया जी आप? मैं जाऊंगी आपके ग्रुप में। हाँ भाई, जोया जी हमारे साइड से आ गई है। हर्ष चलो, एक सुंदरी तो आ गई हमारे टीम में, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। जोया अच्छी है वैसे, थोड़ी बुरी बोलती है पर दिल की साफ है, शर्वरी के मन में पाप है। चाचा जी आप किसके साइड से हो? मैं जाऊंगा शशि बेटा के टीम में। मेरे टीम में आ रहे सब। चाचा जी आपने अच्छा नहीं किया, नहीं हर बार देखती हूँ मैं शर्मिला के घर पे चाय पीने जाते हो, ऐसा नहीं होता। अभी आइए फिर से चाय पीने के लिए, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए देखिए आपका निठल्ला दोस्त आता है सुबह सुबह चाय की चुस्की मारने, अभी आओ उसकी सारी विस्की निकाल दे। विस्की पीता है क्या वो? लेता है। विस्की निकाल देती हूँ। वॉचमैन तू किसके साइड से है? जहाँ जहाँ चाचा जी वहाँ वहाँ मैं, यानी कि शशि भाभी की टीम में जाऊंगा मैं। मेरे टीम में आ रहे सब, मेरा जलवायु अलग है। क्या बोलूं मैं आप लोगों को, नहीं आपने ना जाने तो मुझे बोल नहीं, नहीं किसी को कुछ। ये तो है ही उसका चमचा, उसी के साइड से जाएगा, इतना उसका शादी किया, ये किया वो किया, कुछ नहीं, आजकल ना भलाई का जमाना ही नहीं रहा, वक्त आने पे सब मुकर जाते हैं। मुकर लेते केकड़े, मुकर जाते हैं, मुकर मुकर दूंगी ऐसे ठोकर, मैनर्स लेस। अभिजीत तुम किसके साइड से हो? मैं जाऊंगा शर्मिला जी की टीम में। ससुमा अभिजीत हमारे टीम में आ गया, भगा उसको। हाँ क्यों आ गया ये हमारे टीम से, फुसका बम, कुछ नहीं करेगा। मुझे तो उसकी शक्ल ही पसंद नहीं है, ऐसा घुसा मारने का मन करता है उसको। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, शर्वरी के आगे पीछे करता है जानबूझ के, वो उसको बिल्कुल भाव नहीं देती, ऐसा करता रहता है उसके आगे पीछे। अभिजीत शर्वरी उनके ग्रुप में गई है। तो क्या हुआ, उसको जाना है तो जाने दो,
मैं तो शर्मिला जी के टीम में जा रहा हूँ। बदमाश, प्यार में धोखा। लगता है कोई जल रहा है। मैं क्यों जलूंगी? नहीं, धुएं की बात आ रही है। क्यों? तुम्हारे नाक की कोई प्रॉब्लम होगी, जरा चेक कर लेना। ओहो, इतना गुस्सा किस बात का? बस बस बस, अपनी ये लड़ाई छत के ऊपर दिखाना। क्या है, जब कंपटीशन शुरू हो जाएगा ना, तब एनर्जी की जरूरत लगेगी, इसलिए सारी एनर्जी यही लड़ने के लिए मत वेस्ट कर देना, ऊपर के लिए थोड़ी बचा के रखना। सुमित्रा, तुम किसके साइड से हो? मैं? तुम तो सबसे इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरी टीम में आओगी बस, मुझे और कुछ नहीं पता। मैं दोनों की टीम से नहीं हूँ। मैं यह कॉम्पिटिशन होस्ट करूंगी। हाँ, संचालन संचालन, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, कोई होस्ट करने के लिए भी चाहिए ना। मैं और मेरे सुशील, हम दोनों मिलके होस्ट करेंगे। क्यों? ठीक है सुबह, होस्टिंग करते हैं, वो इजी जाएगा और हमें चिप्स खाने का मौका भी मिलेगा। पतंग उड़ाते उड़ाते चिप्स खाना नॉट पॉसिबल, होस्टिंग करते करते चिप्स खाना पॉसिबल। हाँ, हम दोनों होस्ट करते हैं। हाँ, ये बात भी बराबर है, होस्ट करने के लिए भी कोई चाहिए। ठीक है, तुम बन जाओ होस्ट। वैसे भी घोस्ट दिखती हो तुम। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। और तुम्हारी सासुमा अनुष्का, जेनी, रॉकी, वो किसके साइड से है? मेरे घर के सारे लोग जेनी, रॉकी, अनुष्का, उसकी दादी शशिबेन के ग्रुप में चले गए पहले से। कल रात ही मुझे बोल रहे थे हम उनके टीम में जाएंगे। क्या सुमित्रा, मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? शर्मिला, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, उनकी चॉइस है। अभी मुझे अगर आना होता तो देखती मैं, अभी तो नहीं आ सकती ना किसी के ग्रुप में, अभी होस्ट कर रही हूँ। क्या हो रहा है सोसाइटी में? अखो भाई, संजुला बहुत दिनों बाद बाहर आई है। संजुला, तुम किसके साइड से हो? मैं कुछ समझी नहीं, क्या चल रहा है ये सोसाइटी में? पतंगबाजी का कंपटीशन हो रहा है। एक ग्रुप में हूँ मैं और एक ग्रुप में है शर्मिला बहन, हम दोनों के ग्रुप में। आप किसके ग्रुप में से हो? आपके टीम में। तुम्हारे अप्पा है क्या? क्या हुआ है, शोर शराबा क्यों है सोसाइटी में? अप्पा, पतंगबाजी का कंपटीशन चल रहा है। अप्पा, ओ अन्ना अप्पा, आप किसके साइड से हो? मैं, वो लैला का है, लैला। वो कौन से टीम में है? ससमा, आपका नाम ले रहे। डॉन मेरे बारे में क्यों पूछ रहा है? मुझे क्या पता, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, तुमको ही पता होगा उसके बारे में। मुझे क्या पता, मेरा उसका कुछ नहीं है, पहली बार मिले हम, मैं तो उसको जानती भी नहीं, आपका तो कुछ भी। वो मेरी टीम में। ठीक है, मैं उन्हीं के टीम में जाऊंगा। बराबर, ये आ गई तो हम जीती गई। डॉन है, अगर हार भी गए बंदूक की धप पे उनको हरा देंगे। मुझे तो लगता है ये डॉन की मेरे ऊपर गलत नजर है। एक तो मेरी खूबसूरती छुपाई नहीं छुपती, कैसे छुपाऊ? छुपाओ क्या तुम्हारी खूबसूरती? नहीं नहीं। तो करे कॉम्पिटिशन शुरू। ठीक है, चलते छत के ऊपर। चलो चलो चलो, बहुत मजा आने वाला है। मजा आने वाला है, एकदम सही कहा तुमने, बहुत मजा आने वाला है। मैं ब्रांडेड, मेरा फेस ब्रांडेड। हेलो अनुष्का। नाइस लुकिंग श्रेया, तुम भी अच्छी दिख रही हो, आज तो मजा आने वाला है। सो सैड फॉर यू। मेरे लिए क्यों सैड हो तुम? तुम आज हारने जो वाली हो। क्यों वीक है? हम दोनों की टीम जीतेगी। एकदम सही कहा अनुष्का ने, जीतेगी तो हमारी टीम। टाइम विल टेल एवरीथिंग, वक्त सब बताएगा, देखते हैं। आज मकर संक्रांति, हमारी पूरी किल बिल सोसाइटी की तरफ से आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। अभी पतंगबाजी का कंपटीशन कौन जीतेगा ये पता चलेगा आपको मंगलवार को। जी हाँ, कल हमारे चैनल पे कोई एपिसोड नहीं आएगा, एक्चुअली संडे का हमारा जो होता है वो ब्रेक होता है, पर संडे को हम ब्रेक नहीं ले सकते थे क्योंकि मकर संक्रांति आ गई थी, इसलिए एपिसोड तो बनता है, इसलिए संडे की छुट्टी हम कल ले रहे हैं। और परसों यानी कि मंगलवार को पता चलेगा कौन जीता पतंगबाजी का कॉम्पिटिशन, बहुत मजा आने वाला है। आप किसकी साइड से हो? मेरी शशि बहन के।